हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, वीडियो क्लास में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, ओके। और आज हम सीखेंगे एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हेट्रो मॉलिक्यूल्स, होमो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम से। देखिए, कोई भी एक अगर अकेला इंडिविजुअल अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे सोडियम है ना, आपने एक सोडियम ले लिया है, सिर्फ एक सोडियम है, एक ऐसा सोडियम जिसके पास इसका खुद का 11 इलेक्ट्रॉन हो, 11 प्रोटॉन्स है इसके पास और इसके पास 12 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये सोडियम अकेला अगर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एटम, कि ये क्या है, सोडियम का एटम है। अगर मैंने ले लिया मान लो एल्यूमिनियम, ओके, तो ये एल्यूमिनियम अभी क्या है, अकेला है। तो अकेला जो एल्यूमिनियम रहेगा, अकेले है, ठीक है। एलिमेंट्स कितने होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना, कितने होते हैं एलिमेंट्स, तो लगभग 120 एलिमेंट्स के बारे में तो हमको जानकारी हो गई है। हालांकि एलिमेंट्स इससे ज़्यादा भी अर्थ पर पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हम उन एलिमेंट्स तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। लेकिन 120 एलिमेंट्स के बारे में हमको जानकारी है, ओके। उसमें से कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं। तो ये जो एटम अलग है, एक अकेला है, जैसे मैं अकेली हूँ, अभी मैं अकेली हूँ ना यहाँ पर, तो मैं अकेली श्वेता मैम हूँ, तो मैं क्या हूं? मैं एक एटम हूं, ठीक है। और आप मुझे दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, वो मेरा दूसरा नाम है एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं अकेली हूं तो मैं एटम भी हूं और मैं एलिमेंट भी हूं, ठीक है। मेरे दो दो नाम है, है ना। तो मैं ही एलिमेंट हूं, मैं ही एटम हूं, मैं ही एटम हूं, मैं ही एलिमेंट हूं, मैं ही एलिमेंट हूं, मैं ही एटम हूं, ठीक है। तो सोडियम अकेले है, आप उसको बोलो कि तुम क्या हो, तुम एटम हो, ठीक है। और अगर तुम सोडियम अकेले है, आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब अकेला का मतलब क्या, देखो अकेला का मतलब ये नहीं हुआ कि एक एक ही रहेगा, है ना। एक तो इतना छोटा एटम होता है कि हम उसको देख भी नहीं पाते। अकेला का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई अगर आयरन का रॉड है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये लोहे का रॉड है, ठीक है, और ये जो आयरन का रॉड है ना, ये आयरन का रॉड क्या है, ये प्योर आयरन है, मतलब इसमें आयरन के अलावा कोई नहीं है। तो आप यहां से कहीं से भी निकालो, अगर यहां से निकालते हो तब भी आपको Fe मिलेगा, यहां से निकालते हो तब भी आपको Fe मिलेगा, यहां से आप निकालते हैं तब भी आपको Fe मिलेगा, यहां से निकालते हैं तब भी आपको Fe मिलेगा, मतलब ये केवल Fe से ही मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ Fe है, सिर्फ Fe है ना, Fe है मतलब आयरन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट है। इसमें से एक को आप निकालोगे ना, तो वो कहलाएगा एटम। एक अकेला है ना, तो वो तो एटम है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और इन्हीं सारे एटम्स के पूरा हमने जो ग्रुप बना दिया, ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स है, है ना, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। इस मतलब ये जो लोहे का रॉड जो है ना, रॉड, ये कहलाएगा कि ये आयरन, आयरन एलिमेंट, Fe एलिमेंट से बना हुआ रॉड है, क्योंकि ये एटम क्या कर लिए, ग्रुपिंग में आ गए, है ना, ग्रुप बना लिए। तो इन्हीं एटम्स के ग्रुप को ही हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, ये सब एलिमेंट है। लेकिन एलिमेंट में सारे Fe ही हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। जैसे मैं अकेली श्वेता मैम, श्वेता मैम आ जाओ, ठीक है, देखो ये भी श्वेता मैम, श्वेता मैम आ जाओ, ये भी श्वेता मैम, वो एक और श्वेता मैम है, आ जाओ, वो ये भी श्वेता मैम आ जाओ, ये भी श्वेता मैम। अब बताओ कि कुल कितने श्वेता मैम हो गए। यहाँ पर हम आपको पांच श्वेता मैम दिखाई दे रहे हैं ना, हम पांचों लेकिन श्वेता मैम ही हैं, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं श्वेता मैम हूँ, मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, मेरा फेस ऐसा है, मेरी आवाज़ ऐसी है, ठीक है, मेरा नॉलेज ऐसा है, तो मैं जैसी हूँ ऐसी ही मेरी बगल वाली श्वेता मैम भी बोलेंगी, ऐसी मेरी बगल वाली श्वेता मैम भी बोलेंगी, इधर वाली भी, दोनों श्वेता मैम वही बोलेंगी, यानी सबकी कैरेक्टर क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये जो लोहे का रॉड है, इस रॉड से में आप किसी भी एक को निकाल लो, Fe को आपने निकाल लिया, तो जो इसका कैरेक्टर है वही इसका कैरेक्टर है, वही इसका कैरेक्टर है, वही इसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो यानी कि Fe के एटम से मिलकर के ये बने हुए हैं, या आप यूं बोलो कि ये आयरन के एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो एटम और एलिमेंट, दोनों बात आपको समझ में आ गई।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेरे गले में एक चेन है, ठीक है। अब मान लो, सपोज करो कि ये प्योर गोल्ड है, ठीक है, प्योर नहीं है, है ना, लेकिन आप सपोज करो कि ये प्योर गोल्ड है, ठीक है। और तो क्या है, मान लो कि ये घड़ी जो है ना, ये सिल्वर की बनी हुई है, ठीक है, प्योर सिल्वर ये चीज़ है, ठीक है। सपोज करो, है ना, कि ये प्योर गोल्ड है और ये प्योर सिल्वर है। तो मेरा जो चेन है ना, ये चेन, ये प्योर गोल्ड है, ठीक है, ये प्योर गोल्ड है, मतलब इसमें जहाँ भी है वो AU ही है, है ना, AU। गोल्ड का मतलब क्या होता है, AU है। यहाँ से भी निकालोगे तो आपको AU ही मिलेगा, यहाँ से भी आप निकालोगे तो AU ही मिलेगा, यहाँ से भी आप निकालोगे तो AU ही मिलेगा। तो AU के एटम, AU का एटम या AU का एलिमेंट, है ना, सारे एटम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो इनको आप बोल दो कि तुम सब के सब क्या हो, एलिमेंट हो। यानी कि ये मेरा गोल्ड कहाँ गया, ये जो है ये AU है ना, यानी कि गोल्ड के एटम से या गोल्ड के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ ये चेन है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर ये चांदी का है, ठीक है, मेरी घड़ी अगर ये चांदी की है, तो आप मान लो ये चांदी का है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें AG है, सिल्वर, है ना, सिल्वर का एटम और सिल्वर का एटम, है ना, इसके अंदर सिल्वर का एटम ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। कहीं से आप निकालेंगे, अगर ये प्योर है तो इसमें केवल और केवल सिल्वर के ही एटम होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और इसी को, इनके अलावा अगर कोई भी ना हो, ठीक है, धरती पर सिर्फ हम ही हम हैं, है ना, यहाँ पर सिर्फ हम ही हम हैं, गोल्ड ही गोल्ड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर केवल AU ही हैं, तो इसका मतलब कि हम क्या है, हम ही एलिमेंट है और हम ही एटम है, ठीक है, हम ही एलिमेंट और हम ही एटम, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, AG, है ना, तो AG ही एलिमेंट है, AG ही एटम है, ओके। AG कहता है, AG, है ना, मुझे गोल्ड का चेन दिला दो ना, AG मुझे गोल्ड का चैन दिला दो ना, ठीक है। यहाँ पर AG ही AG हैं, जो हैं वो AG ही हैं, तो AG ही एटम है और AG ही एलिमेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, ओके। तो देखो, ये हो गया पिक्चर, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, जो जो चीज़ें मैं लिखती जाऊँगी ना, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो देखो, एटम आपने देखा कि अगर हमारे पास आयरन का रॉड है, ये आयरन का रॉड अगर है, तो इसमें सिर्फ Fe के ही एटम होंगे, है ना, Fe के एटम होंगे, या आप इसको बोलिए कि इसमें Fe के एलिमेंट हैं, ठीक है, पूरा ढेर सारे एटम एक साथ रह रहे हैं, यानी कि ढेर सारे एलिमेंट एक साथ रह रहे हैं, तो Fe का बना हुआ ये क्या है, एलिमेंट, मतलब एलिमेंट इसमें ये किस चीज़ का बना हुआ है, मटेरियल क्या है, तो एलिमेंट इसमें हमने Fe का इस्तेमाल किया है, यानी कि किसी एक को निकाल करके देखो तो ये आपको Fe का एटम दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, Fe का एटम दिखाई देगा, लेकिन ये एटम बहुत सारे ग्रुप में है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एलिमेंट, लेकिन ये एलिमेंट सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है, वो है Fe, यानी कि हम Fe को ही एटम भी कह रहे हैं, और इसी Fe को ही हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट भी कह रहे हैं, ये एलिमेंट भी है और ये एटम भी है, डन। तो आइए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल पर। देखो, दो या दो से अधिक एटम, है ना, अब ये एटम जो है ना, दो या दो से अधिक एटम अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ जाए तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। अब जैसे मैं श्वेता मैम हूँ, ठीक है, अकेले मैं हूँ, ओके, और जुड़ने का मतलब अलग है, यहाँ Fe जुड़े नहीं है बेटा, है ना, जुड़े नहीं है। अब जुड़ने की बात है कि हम दोनों जुड़ गए, मतलब हमेशा साथ ही रहेंगे, जब भी रहेंगे तो साथ ही रहेंगे। मान लो कि यहां पर कुल मिलाकर के 10 श्वेता मैम है, ठीक है, तो 10 श्वेता मैम ने सोचा कि दो दो श्वेता मैम जुड़ जाएंगी आपस में, तो हम दो 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 जुड़ गए। जुड़ने का मतलब हम दो श्वेता मैम हमेशा, दो ब्लैक ड्रेस वाली श्वेता मैम एक साथ रहेंगी, दो रेड ड्रेस वाली श्वेता मैम एक साथ रहेंगी, दो पिंक ड्रेस वाली श्वेता मैम एक साथ रहेंगी। तो हमने एक ग्रुपिंग बना लिया, ठीक है, उस ग्रुपिंग में दो श्वेता मैम हैं, ठीक है, यानी कि दो श्वेता मैम है, तो एक श्वेता मैम को आप क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे आप एटम या एलिमेंट, और यहाँ पर दो एटम जुड़ गए, तो दो एटम जुड़ने पर
कर क्या बन गया ये मॉलिक्यूल। तो दो या दो से अधिक कितने भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, हमने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन को इसने अपने साथ जोड़ लिया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, ये टोटल हो गए हमारे इज इक्वल टू एच टू, मतलब दो हाइड्रोजन हो गए। अब ये दो हाइड्रोजन ना हमेशा साथ ही रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे, साथ साथ रहेंगे। तो यहां पर एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा, तो देखिए जब तुम अकेले थे, एक हाइड्रोजन जब अकेला था तो क्या था, एटम था। दूसरा भी हाइड्रोजन अकेला था तो क्या था, एटम था। एटम था या मॉलिक्यूल था, दोनों एक ही नाम है। लेकिन जब तुम, अब तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम दोनों एक साथ जुड़ चुके हो और जब तुम दोनों एक साथ जुड़ गए तो क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो केवल दो के ही नहीं, दो जुड़े, तीन जुड़े, चार जुड़े, सब मॉलिक्यूल ही कहलाएंगे। जैसे अब देखो मैं दूसरा ले लेती हूँ, अब एक ऑक्सीजन है बेटा, हाँ बेटा नहीं, एक ऑक्सीजन है तो ये क्या है, ये एटम है या ये एलिमेंट है, ठीक है। प्लस दूसरा वाला ऑक्सीजन है तो ये भी क्या है, एटम है या एलिमेंट है। प्लस तीसरा वाला ऑक्सीजन है तो ये भी क्या है, एटम है या एलिमेंट है। तीनों अगर एक साथ जुड़ गए तो ये क्या बना लेंगे बच्चों, O3। अब तुम तीनों एक साथ जुड़ चुके हो, जुड़ चुके हो का मतलब कि अब तुमको हम एटम नहीं बोलेंगे, अब हम तुमको एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम तुमको क्या बोलेंगे, हम तुमको बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। अब तुम एटम नहीं हो, तुम्हारा नाम चेंज हो गया, हमने तुम्हारा नाम बदल दिया है, तुम क्या हो गए हो, तुम मॉलिक्यूल हो गए हो, ओके। तो बात आपको समझ में आई। अब देखो और भी ज्यादा ले लेते हैं। अब देखो एक यहां पर पी है ना, उसके साथ आकर के दूसरा पी जुड़ गया, उसके साथ आकर के तीसरा पी जुड़ गया, उसके साथ आकर के चौथा पी जुड़ गया। पहले अकेले अकेले हैं तो ये एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है। जब एक साथ जुड़ गए तो क्या बन गए, ये पी फोर। अब तुम्हारा नाम चेंज हो गया है, तुम अब एटम नहीं कहलाओगे बल्कि तुम क्या हो, अब मॉलिक्यूल हो। आपको समझ में आ गया। तो ये मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में आप एक विशेष बात देखेंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल में भी दोनों हाइड्रोजन ही थे, इस वाले मॉलिक्यूल में तीन है लेकिन तीनों ऑक्सीजन ही है, इस वाले मॉलिक्यूल में चार है लेकिन चारों पी पी पी, पी फॉर फॉस्फोरस, पी फॉर पैराटी, पी फॉर फॉस्फोरस, तो यहां पर फॉस्फोरस ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल तो है लेकिन मॉलिक्यूल में भी किस प्रकार के मॉलिक्यूल है, ये होमो मॉलिक्यूल है या हेट्रो मॉलिक्यूल है। तो बच्चों होमो का मतलब होता है सेम सेम, तो देखो इसमें सेम सेम जुड़े हुए हैं ना, सेम सेम मतलब वो नहीं कि सेम ऑन यू, सेम ऑन यू वाला सेम नहीं, सेम का मतलब समान। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर है तो ये जो बना है H2 ना, ये होमो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो है लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल है। ये O3 होमो मॉलिक्यूल है, ये P4 होमो मॉलिक्यूल है, ओके डन। अब हम आ जाते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल की तरफ। देखिए जैसे अब देखो, अब यहाँ पर आया एक हाइड्रोजन आया, प्लस एक और हाइड्रोजन आ गया कि मुझे भी जोड़ लो, प्लस एक ऑक्सीजन भी आ गया कि भाई मुझे भी जोड़ लो, है ना। तो ये तीनों जुड़ गए आपस में, तीनों आपस में जुड़ गए तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना लिया H2O, है ना, H2O। तो H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या है H2O, H2O एक मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल का मतलब यही होता है ना। देखो एक दो तीन, तीन एटम जुड़े हैं तो ये मॉलिक्यूल है, इसमें भी एक दो तीन, तीन जुड़े हैं तो ये मॉलिक्यूल है। लेकिन मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन के आ जाने की वजह से ये होमो मॉलिक्यूल नहीं है। होमो में सब एक जैसे होने चाहिए। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया हेट्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कौन सा बच्चों मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है हेट्रो मॉलिक्यूल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक सी है, ठीक है, उसके साथ एक ऑक्सीजन आ गया, है ना, कह रहा है कि भाई मुझे जोड़ लो, है ना। फिर एक ऑक्सीजन और आ गया, कह रहा है मुझे भी जोड़ लो, तो इन्होंने जोड़ लिया कि चलो कोई नहीं, अब हम लोग एक साथ रहेंगे, तो ये बन गया CO2। लेकिन CO2 है ना, तीन एटम से मिलकर के ये बना हुआ जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हेट्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें तीनों एक जैसे नहीं है, है ना। दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग, मतलब एक कार्बन है तो दो ऑक्सीजन है ना, तो दोनों अलग अलग परिवार वाले हैं ना, एक उस फैमिली से आ रहा है और दो इस फैमिली से आ रहे हैं और तब ये जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रो मॉलिक्यूल हो जाएगा, ओके। और भी हेट्रो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल आप देख लो,
जैसे ले लो H2SO4 है ना, तो देखो एक एच है प्लस एक एच है, ठीक है। दो हाइड्रोजन पहले बोले कि भाई चलो जुड़ जाए जाए, कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक सल्फर आ गया, कह रहा है मुझे भी अपने साथ अपनी फैमिली में रख लो, चलो कोई नहीं तुम भी आ जाओ, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन आया, दो ऑक्सीजन आया, तीन ऑक्सीजन आया और चार ऑक्सीजन आ गया। अब देखो कुल कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, सात एटम से मिलकर के, और बनेगा क्या, सातों एक साथ हो गए ना, एक फैमिली में आ गए तो एक साथ जुड़ गए, सात एटम से मिलकर के बना क्या है, केवल एक मॉलिक्यूल बना है, उस मॉलिक्यूल का नाम है H2, ठीक है। एस और ऑक्सीजन कितने हैं, चार, H2SO4। तो H2SO4 क्या है बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है, क्या है, एक ये मॉलिक्यूल है, लेकिन किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, तो हेट्रो मॉलिक्यूल है। तो होमो मॉलिक्यूल और हेट्रो मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया। आप देखिए जो होमो मॉलिक्यूल होते हैं ना, होमो मॉलिक्यूल, इन होमो मॉलिक्यूल्स का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, होमो मॉलिक्यूल का एक दूसरा नाम भी है। होमो मॉलिक्यूल को आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, होमो मॉलिक्यूल को आप एलिमेंट बोल सकते हैं। और उसी तरीके से जो हेट्रो मॉलिक्यूल होते हैं ना, आप इनको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड, ये इनका दूसरा नाम। तो सबका दूसरा तीसरा नाम आपको याद रखना है। तो देखो आप एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये एटम या एलिमेंट है ना, एटम को ही एलिमेंट बोलो, एलिमेंट को ही एटम बोलो, ओके, ठीक है। अब देखो अगर ये एक जैसे होमो मॉलिक्यूल है ना, अब देखो आप इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, होमो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, और इसी को एलिमेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है, वो जो होमो मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और होमो मॉलिक्यूल ही एलिमेंट है, ठीक है, तीनों एक हो गए, है ना। अब देखो जो मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हेट्रो मॉलिक्यूल है, वो एक कंपाउंड भी है, ओके, तो क्लियर हो गया बच्चों। देखिए अब हमने टोटल क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है एटम, एलिमेंट, आपसे पूछा जाएगा एटम किसको कहते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, डेफिनेशन अभी लास्ट में आएगा, तो एटम समझने वाली बात अभी है केवल, है ना। तो देखो ये एटम भी है और ये एलिमेंट भी है, अगर इनके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है, एक रूम है, उस रूम में बॉयज़ 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 हैं, बॉयज़ के अलावा एक भी गर्ल्स नहीं है, केवल बॉयज़ हॉस्टल है, केवल बॉयज़ ही हैं, तो यानी कि वहाँ पर केवल एटम ही एटम मिल रहे हैं, केवल एलिमेंट एलिमेंट ही मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ जाए, ठीक है ना, एक साथ हो जाए, देखो दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो तो मिनिमम है, कम से कम दो तो जुड़ेंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जुड़ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज में आप देख लो तो C6H12O6, इसमें कितने एटम है जरा काउंट करके बताओ, है ना। तो देखो यहां पर कितने सारे एटम एक साथ जुड़ गए हैं, तो ज्यादा दो तो कम से कम एलिमेंट एटम अगर आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और ज्यादा तो कितना भी ले लो, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बहुत सारे एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल तो बना, लेकिन मॉलिक्यूल किस प्रकार का बना, तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल भी दो तरीके का बन रहा है, एक तो एक जैसे ही एटम से मिलकर बन रहा है, एक डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर के बन रहा है। तो सेम एटम वाले को हमने बोल दिया कि तुम होमो मॉलिक्यूल हो, और अगर तुम होमो मॉलिक्यूल हो तो हम तुमको एलिमेंट भी बोलेंगे, ठीक है, और अगर तुम हेट्रो मॉलिक्यूल हो तो हम तुमको कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है, और क्या बताया मैंने, होमो मॉलिक्यूल, हेट्रो मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दे रही हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब कुछ एग्जाम्पल नहीं, होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क, ये पूरा मैं साफ कर दूँ बच्चों, ठीक है, ये देखिए इसको मैं पूरा हटा रही हूँ, अब आपको इसमें बताना है ना, देखिए आपको बताना है, और जिसके जितने नाम रहेंगे ना वो पूरा ही आपको बताना है। तो चलिए दो चार तो मैं आपको प्रेजेंस में ही प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कि CH4 है ना, CH4 को आप क्या क्या बोल सकते हैं, चलिए अपना आंसर लिखिए, पहले आप अपना आंसर लिख लो, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कराओ। तो CH4 को आप क्या क्या बोल सकते हैं,
यस बिल्कुल सही, सी एच फोर को हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि ये अकेला तो है नहीं जो इसको हम एटम बोले, ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल आप इसको बोल सकते हैं। अब कौन सा मॉलिक्यूल आप इसको बोल सकते हैं, तो भाई दो परिवार लग रहा है ना, चार तो हाइड्रोजन के परिवार से है, एक कार्बन के परिवार से है, तो यहाँ पर दो परिवार लग रहे हैं, इसलिए इसी का दूसरा नाम हम इसको हेट्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही भाई, है ना, आप इसको हेट्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और अगर ये हेट्रो मॉलिक्यूल है तो हम इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड भी कहलाएगा। ओके, तो आपने जो जवाब दिया ना वो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा प्रैक्टिस करिए। अब मैंने आपको दिया दूसरा क्वेश्चन है C6H12O6, ठीक है, चलो बताओ ये क्या है, तो क्या है ये, तो बच्चों सबसे पहले बताओ कि इसमें कुल कितने एटम हैं, है ना, कितने एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें टोटल एटम की जो संख्या है वो कितनी है, बिल्कुल सही है ना, कितनी है ये, 24, 6 6 12 12 12 24, है ना, 24 एटम से मिलकर के, और ये बना है क्या, एक मॉलिक्यूल बना है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बना है एक मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल तो बन गया, ओके, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, तो इसका दूसरा नाम बताओ, तो ये भाई हेट्रो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये हेट्रो मॉलिक्यूल है, और अगर ये हेट्रो मॉलिक्यूल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था ना बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, S8, ठीक है, आप बताओ ये क्या है, क्या है ये, बिल्कुल सही, सही जवाब। देखो S8 क्या है, इसमें पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें कुल कितने एटम है, है ना, सबसे पहले आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने एटम है, ओके, ये आपने बता दिया, ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि क्या ये एक मॉलिक्यूल है, क्या आप इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल, क्या आप इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं तो किस प्रकार का मॉलिक्यूल बोलेंगे, आप इसको होमो मॉलिक्यूल बोलेंगे या फिर आप इसको हेट्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, किस प्रकार का मॉलिक्यूल बोलेंगे, होमो या हेट्रो, ठीक है, और अगर आप इसको होमो मॉलिक्यूल बोलते हैं तो दूसरा, अगर आप इसको होमो मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, सपोज करो अगर आप इसको होमो मॉलिक्यूल बोलते हैं तो आप इसको और क्या बोल सकते हैं, है ना, होमो मॉलिक्यूल बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं, और अगर आप इसको हेट्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं तो फिर इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ठीक है, फटाफट बच्चों अपना आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं, यस, इसमें एटम की अगर हम संख्या देखें तो पहला क्वेश्चन मार्क हटाओ, ये कितने एटम से मिलकर बना हुआ है बच्चों, 8 एटम से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल सही। क्या ये मॉलिक्यूल है, बिल्कुल मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक अकेला रहता तो वो एटम कहलाता, लेकिन जैसे ही दो जुड़ते हैं या दो से ज़्यादा तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है, तो ये मॉलिक्यूल है क्या, बिल्कुल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, होमो है या हेट्रो है, तो भाई ये हेट्रो मॉलिक्यूल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी हैं इसमें सारे के सारे सल्फर ही हैं, 8 तो हैं लेकिन 8ों सल्फर ही हैं ना, पहला भी सल्फर प्लस दूसरा भी सल्फर प्लस तीसरा भी सल्फर, चौथा भी यहाँ पर सल्फर है, फिर प्लस पांचवा भी सल्फर, छठवां भी सल्फर, सातवां भी सल्फर और आठवां भी सल्फर, सारे के सारे क्या है बच्चों, इसमें सल्फर ही है, इस वजह से ये क्या है, हेट्रो मॉलिक्यूल तो ये नहीं है, ये क्या है, होमो मॉलिक्यूल है, और अगर ये होमो मॉलिक्यूल है तो इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, आप इसको और क्या बोल सकते हैं, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये रहा सही जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट एक बताइए, अगला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गई है ना, अब ढेर सारा मैं होमवर्क दूंगी, लेकिन उससे पहले अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बताओ। देखो मैंने ले लिया HNO3, आपको इसमें क्या क्या बताना है, आपको इसमें बताना है कि एटम इसमें कितने हैं, ठीक है, कितने एटम हैं, और क्या ये मॉलिक्यूल, क्या ये एक मॉलिक्यूल है, क्या आप इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और अगर आप इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं तो इसको आप होमो मॉलिक्यूल बोलेंगे या आप
इसको या आप इसको हेटेरो मॉलिक्यूल बोलेंगे, किस प्रकार का मॉलिक्यूल बोलेंगे, और अगर आप इसको होमो मॉलिक्यूल बोलते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, और अगर आप इसको हेटेरो मॉलिक्यूल बोलते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या होगा। चलिए फटाफट अपना आंसर लिखिए। ओके देखिए, अब अगर हम देखिए इसमें कितने एटम हैं, तो इसमें कुल ये कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम, तो कितने हो गए, दो एटम तो यहाँ हो गए, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तीन एटम, तो दो और तीन पांच, मतलब पांच एटम से मिलकर के बना हुआ, पांच एटम से मिलकर बना हुआ ये क्या है, एक मॉलिक्यूल ही तो है, है ना, पांच एटम से मिलकर बना हुआ ये एक मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, होमो है या हेटरो है, होमो में शर्त ये है कि सब एक ही परिवार के होने चाहिए, लेकिन यहां पर आपको तीन परिवार दिखाई दे रहा है, एक तो हाइड्रोजन वाले घर से कोई आया है, एक नाइट्रोजन वाले घर से आया है, ऑक्सीजन वाले घर से तीन आए हैं, तो तीन परिवार यहां पर जुड़ रहा है, तो ये होमो मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है हेटरो, और अगर ये हेटरो है तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, तब इसको हम बोल सकते हैं कि तुम क्या हो, तुम कंपाउंड हो, क्या हो, कंपाउंड हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन गैस भरे हुए हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे मतलब हाइड्रोजन गैस मैंने भर के रख रखा है बैलून उड़ाने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भर के रख रखा है, तो मैंने इसके अंदर क्या भर के रख रखा है, क्या मैंने इसके अंदर एटम को भरा है, ठीक है, क्या मैंने इसके अंदर मॉलिक्यूल को भरा है, मॉलिक्यूल को, क्या इसके अंदर मैंने एलिमेंट को भरा है, एलिमेंट को, या फिर मैंने इसके अंदर कंपाउंड रख रखा है, कंपाउंड, क्या मैंने इसके अंदर कंपाउंड रखा है, या मैं इसके अंदर होमो मॉलिक्यूल मैंने रख रखा है, होमो मॉलिक्यूल, या फिर इसके अंदर मैंने हेटरो मॉलिक्यूल रख रखा है, ठीक है, मैंने क्या रखा है आपको बताना है ये, ठीक है। चलिए सोचिए और बताइए। तो देखो पहला हो गया बच्चों, इसके अंदर मैंने एटम तो नहीं लिया है, है ना, क्योंकि जो भी हैं वो दो दो के ग्रुप में है, एक अकेला रहे तभी एटम कहलाएगा, लेकिन दो आ गए ना तो ये एटम नहीं है, तो एटम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो दो के ग्रुपिंग में है। ओके क्या मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, है ना, दो के ग्रुप बने, तीन का ग्रुप बने, चार का बने, पाँच का बने, छः का बने, सब मॉलिक्यूल कहलाते हैं, तो यस ये मॉलिक्यूल तो है, ठीक है, मॉलिक्यूल तो है। किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, होमो है या हेटरो मॉलिक्यूल है, तो हम देख रहे हैं कि जो दो दो ग्रुप बना है, ये दो, इसमें दो हाइड्रोजन है, दोनों एक ही परिवार से हैं, ठीक है, एक परिवार के दो बंदे ये हैं, ठीक है, एक परिवार के दो बंदे हैं, दोनों क्योंकि हाइड्रोजन ही है ना, सेम सेम है, तो दोनों एक ही परिवार के हैं, मतलब ये होमो मॉलिक्यूल है, ये होमो मॉलिक्यूल है, ये हेटरो मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। और अगर ये होमो मॉलिक्यूल है तो फिर ये क्या है, अगर ये होमो मॉलिक्यूल है तो आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, होमो मॉलिक्यूल को आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और हेटरो मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, तो हेटरो मॉलिक्यूल के में तो क्रॉस लग गया, तो मतलब कंपाउंड भी ये नहीं है। ओके बच्चों क्लियर। अब देखिए, अब मैं आपको दे रही हूं होमवर्क, है ना, चलिए करिए। मैंने अब आपको बहुत सारा होमवर्क दे रही हूं और इसमें आपको यही बताना है, ठीक है, अब सारा आपको प्रैक्टिस करके लाना है, और आप चाहें तो आंसर को कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके सारे सही गए। ओके देखो बच्चों, एक तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये प्योर सोडियम है ना, सोडियम का ब्लॉक है, ठीक है, एक पीस मैंने ले रखा है सोडियम का, तो ये सोडियम का जो प्योर पीस है ये एक एटम है, या ये मॉलिक्यूल है, या ये एलिमेंट है, या इस सोडियम के पीस को, इसमें जो सोडियम है उसको हम होमो मॉलिक्यूल कह सकते हैं या फिर हेटरो मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है, इसमें से इसके हम क्या क्या कौन कौन से नाम हम इसको बोल सकते हैं, ये प्योर सोडियम का पीस है, ठीक है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। ओके
अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए मेरे पास बच्चों एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मैंने बहुत सारा CO2 गैस भर रखा है, ठीक है। तो ये जो CO2 गैस है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इस CO2 गैस को मैं एटम बोल सकती हूँ या मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ, या मैं इसको होमो मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ या हेट्रो मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ या एलिमेंट बोल सकती हूँ या फिर मैं इसको कंपाउंड बोल सकती हूँ। जो भी आपका आंसर है बच्चों कॉमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने घर में खाए जाने वाला नमक ले रखा है, ठीक है। तो ये सॉल्ट है जो घर में यूज करते हैं ना, सिंपल सॉल्ट वही है। इस सॉल्ट का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। इस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl, ठीक है। ये सिंपल सॉल्ट है तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको एटम बोलूँ या इसको मैं मॉलिक्यूल बोलूँ या इसको मैं होमो मॉलिक्यूल बोलूँ या हेट्रो मॉलिक्यूल बोलूँ या इसको मैं एलिमेंट बोलूँ या फिर मैं इसको कंपाउंड बोलूँ, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ। आंसर अगर पता है बच्चों तो कमेंट में बताते चलो फटाफट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास ये एक पैकेट है, इस पैकेट के अंदर मैंने डिटर्जेंट ले रखा है क्योंकि मुझे कपड़े साफ करने हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट ये ले रखा है और डिटर्जेंट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी रख दिया है, ठीक है। C17H35 1735, ठीक है, और CON है ना, ये हो गया डिटर्जेंट का फॉर्मूला। अब इस डिटर्जेंट को मैं क्या बोलूँ, इसको मैं एटम बोलूँ या इसको मैं मॉलिक्यूल बोलूँ या फिर मैं इसको होमो मॉलिक्यूल बोलूँ या हेट्रो मॉलिक्यूल बोलूँ, इसको मैं एलिमेंट बोलूँ या इसको मैं कंपाउंड बोलूँ, मैं इसको क्या क्या बोल सकती हूं। अगर आपको बच्चों आंसर पता है तो कमेंट में फटाफट जरूर बताइए, ठीक है। अब देखो कुछ मैं आपको दे रही हूं बच्चों होमवर्क, है ना, होमवर्क और मैं दे रही हूं। अब ये तो हो गए 4 जो कि सिंपल है, अब एक साथ बहुत सारे दे रही हूं, उसको आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। देखो बच्चों ये इतने सारे ये होमवर्क हैं, ठीक है, जिसको आपको कैटेगराइज करना है ना। जैसे एच ही है हीलियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 31, 32, 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
35, 35 टोटल मैंने आपको दिए हैं। इन 35s को आपको बताना है इसमें से निकाल करके कि इसमें से एटम कौन सा है, एटम वाली कैटेगरी में कौन सा जाएगा, कौन सा एलिमेंट वाली कैटेगरी में जाएगा, मॉलिक्यूल में, होमो मॉलिक्यूल में, हेट्रो मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में, है ना। किसको हम कहाँ पर रखेंगे इसको बच्चों कैटेगराइज करना है। और होमवर्क करके बच्चों आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट में भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके। तो बच्चों देखिए ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन की बात करते हैं। अब देखिए आपके सामने ये एटम का डेफिनेशन है, है ना। एटम किसको कहते हैं, जब आप समझ चुके हैं ना तो सिर्फ इसको अब आपको लिख लेना है। पहले पूरा एक्सप्लेनेशन वाला जो आपने काम किया था ना, मतलब मैं जैसे समझाते जा रही थी तो पहले उसको ही लिखना है आपको, क्योंकि समझा हुआ ही काम आएगा। अब ये डेफिनेशन केवल याद करने के लिए है। ये रहा एटम का डेफिनेशन, ओके। इसको पॉज करके लिख लो। अब देखिए ये आपका हो गया एलिमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, पॉज करके इसको लिख लो, ओके डन। अब ये देखो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। अब ये देखिए होमो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन और हेट्रो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, ठीक है। अब ये आपका आ गया कंपाउंड का डेफिनेशन, ओके। लेकिन समझा हुआ ही आपके काम आएगा और ये इतना मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है बच्चों, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव नाइस डे।